Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of 17 July, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था, इन दी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021, विच कंट्री टॉप इंडी मेडल टैली. जो आपका ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप था 2021 का, इसमें कौन सा कंट्री टॉप किया मेडल टैली पे. आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रशिया. जो आपका ISSF वर्ल्ड कप 2021 राइफल पिस्टल शॉटगन था, जो कि आपका ओसीजेक क्रोशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ओसीजेक क्रोशिया पे. ये जो मेडल टेबल था इसमें टॉप किया गया रशिया के द्वारा, रशिया ने ऑक्यूपाई किया 18 मेडल को. उसके बाद सेकेंड पोजिशन है इटली और जर्मनी का, दोनों को 10-10 मेडल मिले हैं. इंडिया जो है उसको 4 मेडल मिले हैं. तो इंडिया को कौन कौन से मेडल मिले हैं, तो एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल. ये फाइनल था ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप का. जो मेडल के विनर है इंडिया के तरफ से, तो उसका नाम हमें मेमोराइज होना चाहिए. तो इंडिया में राही सोनोबोट है, जिनको गोल्ड मेडल मिला है वुमेन कैटेगरी पे 25 मीटर पिस्टल के लिए. सौरभ चौधरी है, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेन कैटेगरी पे 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए. मानू बाकर एंड सौरभ चौधरी है, जिनको सिल्वर मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए. और मानू बाकर, राहिल सोनोबोट एंड यशस्वी देशवाले है, जिनको ब्रॉन्ज वुमेन टीम इवेंट के लिए मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल पे. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर लिसिन है, हेडक्वार्टर म्यूनिस जर्मनी पे है. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल. इटली का प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रैगी है, कैपिटल रोम, करेंसी यूरो. नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 17 जुलाई. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ 2021. किसने जीता है जो आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स था 2021 का. आपका ऑप्शन है मैक्स वेरस्टैपेन, ऑप्शन बी वेल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी मैकलारेन लैंडो नॉरिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टैपेन. जो रेड बुल के रेसिंग राइवल्स है मैक्स वेरस्टैपेन बेल्जियम के, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का. ये उनका तीसरा कंजीक्यूटिव विन है और पांचवा विन है 2021 का. उसके बाद आपका मर्सिडीज के ड्राइवर वेल्टेरी बोटास है और मैक लैंडो नॉरिस है. ये दोनों ने सेकेंड और थर्ड पोजिशन को रेस्पेक्टिवली हेल्प किया है. फेडरेशन इंटरनेशनल डी आई मोबाइल फिया इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो जो मैक्स वेरस्टैपेन है, उन्होंने 2021 में जो कौन कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो एमिला रोमेगना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स. ये सारे जो है ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीते हैं. अब फेडरेशन इंटरनेशनल डी आई मोबाइल फिया को स्टैब्लिश किया गया था 1904 पे एक गवर्निंग बॉडी के तौर पे फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए. इसके प्रेसिडेंट जीन टोडेट है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है. तो पहला एडिशन है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का, इसको कंडक्ट किया गया था 2011 पे बूट इंटरनेशनल सर्किट नोएडा उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चेड FY3E मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनटू स्पेस. अभी हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है FY3E मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को स्पेस में. आपके ऑप्शन है US, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना. चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA जो है, इसने लॉन्च किया एक नया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम है फेंग्यून 3E FY3E. अपने लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट की मदद से जिग्विन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से, इसको ड्रोन सैटेलाइट भी कहते हैं. FY3E जो है ये वर्ल्ड का पहला मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है सिविल सर्विस इन ए डाउन डस्क ऑर्बिट के लिए. ये जो सैटेलाइट है वो इक्विप्ड है 11 एडवांस रिमोट सेंसिंग पेलोड से और इसका लाइफ स्पैन 8 ईयर्स का होगा. ये ऑब्टेन करेगा डाटा को टेम्परेचर से रिलेटेड, ह्यूमिडिटी से और अदर पैरामीटर से, जो कि मदद करेगा इम्प्रूव करने में चाइना के वेदर फोरकास्ट की कैपेबिलिटी को. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडमिनिस्ट्रेटर जेंग केजान है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना पे है. US के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन है, कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी. चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसेंटली हु स्वन इन एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर. अभी हाल ही में किसने उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर का पद को संभाला है. आपका ऑप्शन है तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी डॉक्टर हरी बाबू कंबमपति, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी. तो पुष्कर सिंह धामी है 45 इयर्स के, उन्होंने स्वर्न इन किया है 11 चीफ मिनिस्टर के तौर पे उत्तराखंड का अलोंग विथ 11 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ. इन्होंने रिप्लेस किया है तीरथ सिंह रावत को, यानी उत्तराखंड के इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो तीरथ सिंह रावत थे और उसके पहले त्रिवेंद्र रावत. ये जो है यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर स्टेट के, इन्होंने इलेवेट किया स्पोर्ट्स पर, वो सर्व किए हैं एमएलए के पोस्ट में भी 2 टर्म तक खातिमा उत्तराखंड में.
अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो उत्तराखंड जो है वो 27 स्टेट है इंडिया का, नवंबर 9 2000 में इसको क्रिएट किया गया था सेपरेट करके उत्तर प्रदेश से, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहां का उत्तराखंड का, तो नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका वो इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। डॉक्टर हरी बाबू कंबाम पट्टी जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये गवर्नर बने हैं मिजोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020, किनको सिलेक्ट किया गया है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2020 का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे, ऑप्शन बी मैरिया रेसा, ऑप्शन सी जस्टिस गीता मित्तल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे, जो पोएट और नॉवलिस्ट है ओडिशा के डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे, उनका नाम जो है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2020 का उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। ये नाम जो है फाइनलाइज किया गया है 3 मेंबर कमिटी के द्वारा, जिसको कंप्राइज किया गया है कन्नत पोएट डॉक्टर एस एस शिव प्रकाश, अग्रा कृष्णमूर्ति और फॉर्मर सेक्रेटरी जो है सेंट्रल साहित्य अकेडमी और बंगाली ऑथर श्यामल भट्टाचार्य के द्वारा। जो कमिटी है वो मिले थे चेयरमैनशिप के अंतर्गत प्रोफेसर हम्पा नागरजनक है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे के बारे में हम जान ले, तो इनका जन्म 1944 पे हुआ था। इन्होंने पब्लिश किया 16 पोएट्री कलेक्शन को और नॉवल को। इनको प्रेजेंट किया गया गंगाधर नेशनल अवार्ड भी 2010 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में और डी लिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर वाई संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा का भी अवार्ड इनको दिया गया है। ये कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2013 में राष्ट्रकवि कुवेंपु ट्रस्ट के द्वारा। ये जो अवार्ड है वो एनुअली दिया जाता है राइटर को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसी भी लैंग्वेज के रिकॉग्नाइजेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो अवार्ड है वो कैरी करता है कैश अवार्ड ₹5 लाख का, एक सिल्वर मेडल और एक सिटेशन को। मैरिया रेसा जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, मैरिया रेसा जो है उनका नाम 2021 के लॉरिएट ऑफ द यूनेस्को गुलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है। जस्टिस गीता मित्तल ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की। जस्टिस गीता मित्तल जो है उनको डिक्लेयर किया गया कि वन ऑफ द टू रेसिपेंट है एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड के लिए 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी टू प्रोक्योर क्रूड ऑयल फ्रॉम गयाना, कौन बन गए हैं इंडिया के पहले पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी जिसने प्रोक्योर किया है क्रूड ऑयल को गयाना से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है एचपीसीएल, ऑप्शन बी बीपीसीएल, ऑप्शन सी आईओसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी जो है वो इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है जिसने प्रोक्योर किया है क्रूड ऑयल को गयाना से। इसको रिफाइन किया जाएगा आईओसी प्रदीप रिफाइनरी ओडिशा पे। आईओसी जो है उसने इंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट कि वो प्रोक्योर करेंगे 3 मिलियन टन यूएस क्रूड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, जो कि ऑलमोस्ट 85% इम्पोर्ट करता है। हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो प्रोक्योर करता था ऑयल को मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, और ये जो प्रोक्योरमेंट है लीजा ऑयल फील्ड का गयाना से, ये पार्ट है इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके सीईओ मुकेश कुमार सुराना है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, इसके सीईओ मिस्टर एच वेडरजन है। इसको फाउंड किया गया था 1952 में। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसके चेयरपर्सन श्रीकांत माधव वैद्य है, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु पार्टनर विथ ई कॉमर्स टू एक्सेलरेट डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएमबी, किसने पार्टनरशिप किया है ई कॉमर्स के साथ ताकि वो एक्सेलरेट कर सके डिजिटलाइजेशन एसएमबी का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है वाजिरेक्स, ऑप्शन बी पेयू, ऑप्शन सी पेपल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेयू। जो पेयू है जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने पार्टनरशिप किया है ई कॉमर्स के साथ जो कि एक ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो इनेबल करे ई कॉमर्स के मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एंड टू एंड डिजिटलाइज करे बिजनेस प्रोसेस को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एक्सेलरेट करेगा डिजिटाइजेशन को स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए। ये बेनिफिट करेगा पार्टनरशिप के अंतर्गत जो मर्चेंट है वो बेनिफिटेड होंगे पेयू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जो कि 100% ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग, जीरो सेटअप चार्ज, इजीएफ चेक इन एंड चेकआउट, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड बिजनेस मॉनिटरिंग फैसिलिटी से होगा लेस। ये जो मर्चेंट है वो मॉनिटर कर सकेंगे अपने ट्रांजेक्शन को, सेटलमेंट को और कैश फ्लो को सारे पेमेंट में मेथड में और पेयू प्लेटफॉर्म पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे, तो जो ई कॉमर्स है ये एक फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स कॉमर्स सॉल्यूशन है जिसको कि बिल्ड किया गया था वर्कप्लेस के द्वारा। पेयू को एस्टेब्लिशमेंट इंडिया पे 2011 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुड़गांव हरियाणा में है, इसके सीईओ इंडिया के अनिर्बन मुखर्जी है। वाजिरेक्स का फाउंडर निश्चल शेट्टी है, फाउंड किया गया था मार्च 2018 में। पेपल के सीईओ डैन स्कल्पमैन है, हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्लिपकार्ट पार्टनर विथ होम टू डिजिटाइज कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट यूजिंग क्यूआर कोड,
फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप किया किन के साथ ताकि वो डिजिटाइज कर सके अपने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को यूज करके QR कोड के। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी स्क्रीन, ऑप्शन डी नाइन ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फोन पे। जो फोन पे है ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप किया फ्लिपकार्ट के साथ जो कि एक ई कॉमर्स मेजर है एंड लॉन्च किया है कॉन्टेक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर को जो कि डिजिटलाइज करेगा फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पेमेंट को। ये जो पार्टनरशिप है ये इनेबल करेगा फ्लिपकार्ट के कस्टमर को कि जो कि पहले अर्लियर ऑप्ट करते थे कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन को, वो पे कर सकेंगे डिजिटली जब डिलीवरी होगा उस दौरान स्कैन करके फोन पे डायनेमिक QR कोड को यूज करते हुए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप के माध्यम से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इनिशिएटिव है ताकि इनकरेज किया जा सके कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को और रिड्यूस किया जा सके पर्सनल कॉन्टेक्ट को। ये इनकरेज करेगा कैशलेस पेमेंट को कस्टमर के लिए जो कि ट्रेडिशनली मोर कंफर्टेबल थे कैश ऑन डिलीवरी के लिए, और ये रिड्यूस करेगा कैश हैंडलिंग कॉस्ट को भी ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी के लिए। यूपीआई है क्या, तो यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यूपीआई को बिल्ड किया गया था इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कि अलाउ करता है यूजर को कि वो इंस्टेंटली ट्रांसफर करे मनी को किसी भी दो पार्टी या बैंक अकाउंट के बीच में। NPCI ने सेट किया था मैक्सिमम फंड जिसको कि एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर सकता है यूपीआई पर ट्रांजेक्शन के लिए वो रुपीज 1 लाख का। फ्लिपकार्ट का एस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक का है, इसके CEO कल्याण कृष्णमूर्ति है। फोनपे को एक्वायर किया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा 2016 में, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक पे है और इसके CEO समीर निगम है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है, फाउंड किया गया था 2009 में। स्क्रीन का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, स्क्रीन को फाउंड किया गया था 17 जून 2001 में और इसके CEO जो है फिलिप मैकहग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु फाइल्ड IL&FS AFSPL फॉर फ्रॉडलेंट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, किसने फाइन किया है IL&FS को AFSSPL को फ्रॉडुलेंट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है SEBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी CCI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SEBI, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है SEBI। इसने इम्पोज किया एक मॉनिटरी पेनल्टी ₹26 करोड़ का IL&FS सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड के ऊपर और 3 करोड़ का एलाइड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड AFSPL के ऊपर क्योंकि ये इन्वॉल्व थे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर में म्यूचुअल फंड यूनिट में अपने क्लाइंट के अकाउंट से। SEBI ने इम्पोज किया एक पेनल्टी ₹3 करोड़ का AFSPL के मैनेजिंग डायरेक्टर अवनीश कुमार मिश्रा के ऊपर और फाइन किया ₹14 लाख एंड 7 लाख रुपीज डायरेक्टर जो है हिमांशु अरोड़ा एंड जितेंद्र कुमार तिवारी के ऊपर। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए भारत में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसको स्टेटरी पावर 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। CCI कंपटीशन ऑफ इंडिया जो ये जो है कंपटीशन रेगुलेटरी बॉडी है भारत का, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को और प्रमोट करने के लिए कंपटीशन को पूरे भारत में और रोकने के लिए वैसे एक्टिविटी को जिसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता हो कंपटीशन के ऊपर। इसको फाउंड किया गया था 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है और इसके पहले एग्जीक्यूटिव धनेंद्र कुमार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु लॉन्च इंस्टेंट स्मॉल लोन सर्विस पोस्टपेड मिनी, किसने लॉन्च किया है इंस्टेंट स्मॉल लोन सर्विस पोस्टपेड मिनी को। आपका ऑप्शन है अमेजॉन, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेटीएम। पेटीएम जो कि एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप किया है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ। तो किसके साथ मिलकर किया ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है एक स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन सर्विस जिसका नाम है पोस्टपेड मिनी। ये एक एक्सटेंशन है बाय नाउ पे लेटर सर्विस का जो कि सपोर्ट करेगा न्यू टू क्रेडिट कस्टमर को। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ये एक पार्ट है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का ही। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD CEO राकेश सिंह है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम को फाउंड किया गया था 2009 में। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। व्हाट्सएप का ओरिजिनल ऑथर ब्रेन एक्शन और जेन कॉम है। इसके CEO विल कैथकल्प है। इनिशियल रिलीज किया गया था व्हाट्सएप को February 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड इंडिया घना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 2021 हेल्ड एट विच प्लेस, जो आपका सेकंड इंडिया घना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन था 2021 का ये किस प्लेस में हुआ है। आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आगरा। तो सेकंड एडिशन था घना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 2021 का, ये आपका आगरा कैपिटल ऑफ घना पे ऑर्गेनाइज किया गया था। राहुल साबरा जो कि सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशन का इंडिया के साइड से
और काउकू अमरपुत्रम सरपोंग जो कि डिप्टी मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर के घनैयन साइड से, उन दोनों ने को चेयर किया था इस मीटिंग को। इस मीटिंग के दौरान दोनों साइड ने रिव्यू किया था बायलेटरल रीजनल और इंटरनेशनल इश्यू को म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो जो पहला FOC था इंडिया और घना के बीच में, ये आपका न्यू दिल्ली पे हुआ था 2019 में, और दूसरा आपका एकरा पे हो रहा है घना पे ही। घना के प्रेसिडेंट अकबू अडोक है, कैपिटल एकरा है, करेंसी घानियन क्रेडी है। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू कम अप एट विच स्टेट, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो किस स्टेट में बन रहा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।